तो गाइज ये तैयार हो चुका है मेरा ब्रेकफास्ट, अभी अच्छे से दिखाऊंगा और मैं दिखा देता हूँ आपको। आजकल मैं ये वाला प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे कोई प्रमोशन नहीं है तो मैं ज़्यादा अच्छे से कुछ कर भी नहीं रहा ताकि आपको विश्वास हो जाए कि प्रमोशन नहीं है, सही में अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको ऑर्डर करना हो कर सकते हो, देख लेना रिवाइंड करके स्टॉप करके कि क्या दिखाया था मैंने। तो ये 2 स्कूप प्रोटीन गए, मुझे नेक्स्ट नहीं पता कि कब टाइम मिलेगा खाने का, और वेजिटेरियन खाना रेडीली अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए अपना काम सेट हो चुका है। अब आपको बहुत ज्यादा फोकस रखेगा और आपको एनर्जी भी दे देगा और बहुत ज्यादा फैट लॉस भी करा देगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बैलेंस्ड है, लो नहीं है हाई नहीं है, मॉडरेट कार्ब फैट लॉस मसल बिल्डिंग डाइट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज फूडियो फीडिंग। सो गाइस ये रहा ब्रेकफास्ट, तो अब इसकी रेसिपी मैंने अभी स्टोरी डाली थी, इसकी आंखों का क्या ही करूं मैं, मेरे तो दिल आ जाता है इसपे इतना। इसके अंदर चीज ब्रेड है, खीरा टमाटर है, तो उसका कोल्सलो मैंने बना दिया और वो ब्रेड में डाल दिया। किसने बोला है गाइस कि आपको वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन नहीं मिलता, जिसने भी बोला है ना उसको ये ब्लॉग भेज देना प्यार से, मारने की क्या जरूरत है, सैंडविच खिलाना, मस्त रेसिपीज दिखाना, फैन होए वो भी हमारा, हेल्प होए उसकी भी, पुच्ची भी पुच्ची नहीं है, लाइक कर दो बस काफी है, मजा आ गया। So guys, हम वर्कआउट के बाद घर आ गए हैं एंड निक्की बना रही है वेजिटेरियन केसेडियास फॉर मी। पर ये रेसिपी अगर आपने ट्राई नहीं करी है तो करो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हरी होगी, और बाकी इंस्टाग्राम पे भी डाल चुका हूँ, शॉर्ट्स पे भी डाल दूंगा। मैं जब तक नहा के आता हूँ बहुत अनफ्रेश सा फील हो रहा है मुझे, और फिर खाते हैं। सो यहाँ पर मेरा मील आ चुका है, ये है पनीर केसेडियास। मैं तो नवरात्रि में भी ही मजे करता हूँ भाई, मतलब फ्लेक्सिबल डाइटिंग हो चुका, तो ऐसा कैसे कि भाई पनीर सोया खा खा के बॉडी बना रहे हैं, नहीं, आपको मेरे प्लान में सोया भी नहीं दिख रहा होगा, दैट्स फॉर अ रीजन, बिकॉज बहुत ज्यादा सोया खाने से भी आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप सोया खा सकते हो तो आप प्रोटीन को सोया से रिप्लेस कर सकते हो। इसके मैक्रोज आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बाहर जाकर पैसे खर्चने से अच्छा घर पर बना लो, बहुत सस्ती सी बनेगी। इसकी रेसिपी जो है मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी आ चुकी होगी अभी तक, तो आप सीधा रख सकते हो पनीर केसेडिया एकांश या प्रोटीन केसेडिया एकांश, स्पेलिंग केसेडिला होते हैं वैसे, और मैं कूल बनने के लिए केसेडिया कह रहा हूँ वैसे। तो इसके मैक्रोज देखने के बाद जल्दी से घर भागते हैं, बाहर सारे लोग मेरी वेट कर रहे हैं, नव्या निकी और यश, तो घर जाके मैं आपको अपना डिनर दिखाऊंगा। और ये डाइट आप वेजिटेरियन कभी भी फॉलो कर सकते हो, इससे आपको कोई डाइजेशन इशू भी नहीं होगा और आपकी बॉडी भी बनेगी। भाई हम कुछ काम से बाहर आए थे, और काम से क्या बाहर आए थे, एंगेजमेंट के आउटफिट्स के ट्रायल लेने आए थे, वहाँ पे लिखवा रहे हैं, तो मैंने ये 2 प्रोटीन बार्स खरीद ली। और मुझे पता है बहुत सारे लोग तुम में से बोलेंगे कि भाई प्रोटीन बार क्यों खा रहे हो, कौन अफोर्ड कर सकते कौन नहीं कर सकते। और बाकी ये देखो, ये मैंने बाइट ली थी और ये साइड में से इस रैबिट ने मेरी बाइट ले ली, मेरी प्रोटीन बार की बाइट ले ली। तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम प्रोटीन बार अफोर्ड नहीं कर सकते और घर पे बैठ के वे फूक रहे हो, जानते हो ना हिपोक्रेट हो तुम, सोना नहीं है प्रोटीन बार है। और मैं एक हफ्ता ये करता हूँ भाई, नवरात्रि में मेरा एक मील रहता है, यहाँ पे आके मैं बड़े बड़े महान यूट्यूबर्स की तरह बहुत स्मार्ट बन सकता हूँ कि भाई मैं सोया खाता हूँ, मैं टेम्पे खाता हूँ, घर पे बनाकर क्लीन मील्स खाओ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं पूरे दिन घर पे बैठ के खाता रहूँ। और यू वांट ट्रैवलिंग सक्सेसफुल भी होना भाई, खाना तो ना खाते रहूंगा पूरे दिन बैठ के गाय हूँ। सो दिस इज गोना बी माय डिनर गाइस, लॉट्स ऑफ पनीर, ये पनीर टिक्का सैलेड है, इसकी रेसिपी भी मेरी चिकन सैलेड जैसी है, इसकी रेसिपी मैं सून रिवील करूंगा। और वहाँ पे वो ग्रेवी वाला सोया चाप पड़ा हुआ है, मेरे घर वालों ने मंगाया था बाहर से, क्योंकि हम 100K सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये पनीर टिक्का सैंडविच, पनीर टिक्का नहीं ग्रिल्ड पनीर, मैंने पनीर को ग्रिल कर लिया और वो सैंडविच बना दिया। सो यही सीन है। अब सीन ये है कि आप खाने वाले बनो, ऑप्शंस हजार हैं, एक्सक्यूज बनाने पे आओ तो एक्सक्यूजेस भी हजार है। सो दिस वाज माय फुल डे ऑफ ईटिंग, आई होप यू लव्ड इट, आई होप कि आप सब लोगों को प्यार हो रहा है इस कंटेंट से, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, तभी हम इतनी बड़ी फैमिली बन गए। और मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, मैं से बोला नहीं जा रहा। सो मैं खाता हूँ और सोता हूँ, और मैं अब मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू गाइज, वी आर 100K स्ट्रॉन्ग।